गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम हैं स्पेन में, कल रात में हम पहुंचे थे बहुत लेट और आज हमें पहुंचना है पेरिस। फिर हम वहाँ ग्रेशियस आदि फॉर द कॉफी एंड फॉर द सैंडविच से ग्वाटेमाला जो भी नाम था। अब आप अच्छे से देख लीजिए, इससे ज़्यादा सीनिक ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी। तो ये है आप लोगों के लिए स्पेन के बीचेस, एक और व्यू, एक और पॉइंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम हैं स्पेन में, कल रात में हम पहुंचे थे बहुत लेट और आज हमें पहुंचना है पेरिस। फिर हम वहाँ 2 दिन रुकेंगे। पेरिस हम पहले कई बार घूम चुके हैं बट एक होता ना कि हर बार ही पेरिस देखेंगे तो एक अलग अंदाज से, एक अलग तरीके से, तो उसी की वजह से कल हम यहाँ रास्ते में रुक गए थे स्पेन में। अगर मैं आपको एक अमेजिंग सा व्यू दिखाऊँ, ये मेरे होटल की बालकनी से या शीशे से कह लीजिए, ये हाईवे था, इससे हम अंदर हुए। पूरा ये होटल समझ लीजिए, सिर्फ होटल वाले ने ही ये रोड बनवाई हुई थी, इसके होटल के अलावा इस पूरे हाईवे पे दूर दूर तक, अगले 10-15 किलोमीटर तक भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो लग रहा है कि इस होटल वाले ने अपने लिए स्पेशली हाईवे से साइड में रोड बनवा रखी है। और ये व्यू है मेरे होटल के शीशे से, रात में तो दिख नहीं रहा था, 2:30 बजे पहुँचे यहाँ पर और 3-4 बजे तक सोए थे, बट जब सुबह उठ के देखा अभी तो व्यू तो सही में बहुत अमेजिंग सा व्यू था। तो सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार दिखा दें, शेयर कर दें। और अब हम निकल रहे हैं आगे की जर्नी पे। अब हम जा रहे हैं पेरिस की तरफ। ये स्पेन का ही एक छोटा सिटी है बर्गोस नाम का, और यहाँ के बाद हम लोग अब सीधे फ्रांस में रुकेंगे, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर शायद बॉर्डर से बचता है ये सिटी अभी। तो चलिए चलते हैं फिर सुबह सुबह दिल्ली से लंदन के इस ट्रिप पे। रोज़ एक नई सिटी घुमाने का हमने कर रखा है आपसे प्रॉमिस, तो वही पूरा करने चलते हैं। और पिक्चर अभी बाकी है, और भी बहुत कुछ है आज दिखाने के लिए, तो चलिए। थैंक यू। तो अभी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया, ये बहुत हेल्पफुल हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती थी तो ये वापस हमें रिसेप्शन पर ले गई। अभी हम होटल में ही हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती थी, ये वापस रिसेप्शन पर ले गई, रिसेप्शन पर ट्रांसलेट कराया उन्होंने। और ये बना रही है हमारे लिए स्पेशली सैंडविच, विदाउट फिश, विदाउट मीट, विदाउट चिकन, इसमें शायद फिश पड़ी हुई है, तो ये वाला सैंडविच वो नहीं दे रही है। इन्होंने बोला आई विल प्रिपेयर वन फॉर यू, सो विदाउट द फिश वो यही सैंडविच, सेम सैंडविच बना रही हैं। ग्रेशियस आदि फॉर द कॉफी एंड फॉर द सैंडविच दैट वाज नाइस। तो आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये मैं हूँ, और ये हमारी दिल्ली टू लंदन की रोड ट्रिप है। और ये आपका ये वाला होटल था जिसमें हम रुके हुए थे, हाईवे होटल, होटल क्वादी दी बर्गोज। और अब चलते हैं फटाफट से अपनी आगे की जर्नी की तरफ। हम निकल आए हैं अभी स्पेन से, एक जगह है जहाँ पे गेम्स ऑफ थ्रोन्स मूवी की शूटिंग हुई है। अब उस जगह का नाम जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, जो मेरे से लिया नहीं जा रहा है, पर जब पहुँचेंगे तो मैं आपको बोर्ड दिखा दूँगी, क्योंकि स्पेलिंग तो सही में वाकई में बहुत ही अजीब स्पेलिंग है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये जो है आपका बिलबाओ और सेंटेंडर। तो बेसिकली जिस लोकेशन को अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो कि करीब 50 किलोमीटर के बाद आएगी, वो लोकेशन पे गेम्स ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग हुई है, और बहुत ही सुंदर लोकेशन है स्पेन में। स्पेन की जो माउंटेन्स हैं वो बहुत प्यारे हैं, मतलब ऐसा लगता है कई बार जैसे वॉल्केनो जब फटा होगा तो जैसे जैसे शेप बनाता गया वैसे वो छोटा सा एक ग्रैंड कैनियन टाइप का बना लिया है स्पेन के माउंटेन्स ने। और स्पेन खुद में बहुत अच्छी घूमने वाली जगह है, नॉट ओनली बार्सिलोना एंड मैड्रिड बट सदर्न पार्ट ऑफ स्पेन लाइक ह्यूला, वैलेंसिया, ये सारी सिटीज़ बहुत अच्छे से घूम सकते हैं आप अगर आपके पास टाइम है तो। मैं कहूँगी कि स्पेन ज़रूर आएँ, और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके।
अभी वहाँ शूटिंग हुई है, तो जब मैं उस लोकेशन पे जाऊँगी तो जिन जिन लोगों ने वो मूवी देखी है वो समझ जाएंगे कि ये पार्ट वन में आया, पार्ट टू में आया, या उसकी और भी जितनी सीरीज आई है उसमें आया है। तो चलिए वहीं पे चलते हैं। ये देखिए बिल्कुल बीच के किनारे पे है वो, और इसीलिए हम पूरा माउंटेन्स के बीच से होके और अब जो स्पेन के बीचेस हैं उस तरफ जा रहे हैं। तो गेम्स ऑफ थ्रोन्स की लोकेशन के पास हम पहुंचने वाले हैं। एकदम जिगजैग सी रोड है, हिली एरिया है तो थोड़ा रोड एकदम जिगजैग टाइप की है। ये स्ट्रेट दिख रही है बट फिर उसके बाद टिक 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 टिक, ये देखिए। तो ना गाड़ी बहुत ज़्यादा घूम रही है, पहले मुझे इसका समझ नहीं आता था कि ये क्यों दे रखा है यहाँ, लेकिन आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले इसका रियलाइजेशन अच्छे से हो गया। जब मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैं सीट से पूरा इधर उधर जा रही हूँ वीडियो शूट करते, तो इसको पकड़ लिया तो समझ आ गया कि अच्छा ये इसलिए दे रखा है कि कभी आप जाइए ऐसे जिगजैग रास्ते पे तो आप इजीली इसको पकड़ के बैठ सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, रील बना सकते हैं। जब फॉर्च्यूनर ली ना तब मेरे को लगता था कि ये इसलिए है कि जब आप चढ़ते हैं ना तो इसको पकड़ के और चढ़ जाइए। मोदी जी को देखते थे ज़्यादातर फॉर्च्यूनर में, इसको पकड़ के और तब चढ़ते थे। कई बार वो नहीं होती परेड जो होती है राष्ट्रपति भवन के सामने, तो इसमें जब वो रैली में बैठते थे या किसी भी उसमें आते थे तो यहाँ से पकड़ के और तब चढ़ते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था ये। लेकिन आज इसका असली में यूज़ समझ आया कि गाड़ी वो जब हिल्स में जाती है तो ऐसे ऐसे बहुत हिलती है, तो इसको आराम से पकड़ के रखिए और फिर आप फोटो बनाइए। अभी अभी 2 मिनट पहले का रियलाइजेशन है ये। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी, इसलिए जब आप हिली एरिया में कभी फोटो या रील या वीडियो बनाएं तो प्लीज़ इसको पकड़ के बनाएं, वरना आपका फ़ोन शीशे से टकरा सकता है। चलिए तो हम गेम्स ऑफ थ्रोन्स वाली लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये सिटी का व्यू है, छोटी सी सिटी है, लग रहा है गाँव का एरिया है और सुंदर बहुत लग रहा है शहर। तो हम पहुंचने वाले हैं, नाम नहीं लेना था मुझे, गैस्ट्रोलैक्स्ट अजीब सा नाम है, सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे जिसको स्पेलिंग का पड़ा है, और कमेंट में लिख दीजिएगा बाकियों के लिए भी। और गेम ऑफ थ्रोन्स जो मूवी है मैंने बताया उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। मेरे लेफ्ट साइड में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ समंदर है ना, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के बोला जाता है इसको, और है ये समंदर ही बट अलग अलग नाम से है ना समंदर हर जगह। और ये देखिए ग्रीन एरिया एकदम, दो चार घर पहाड़ की चोटी पे, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, गांव टाइप की फीलिंग आ रही है। बस ये है कि गाय भैंस नहीं दिख रही इनके, अरे वो भी है ट्रैक्टर भी है। वीडियो आगे देखने से पहले एक क्विक अपडेट, अगर आपके घर में आपके अड़ोसी पड़ोसी को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली में किसी को भी सुनने की समस्या है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.earsolutions.in, यहाँ पे जाके आप अपना फ्री हियरिंग चेकअप करा सकते हैं। अगले 3 महीने के लिए हियरिंग टेस्ट एकदम मुफ्त में किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रिप भी हम हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। तो आप जल्दी से इस वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग हैं जिनको कम सुनाई देता है, और उनको यहाँ पे रजिस्टर करा के उनको फ्री हियरिंग चेकअप करवा दीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पे फ्री होम विजिट भी अवेलेबल है, आपका टेस्ट घर बैठे बैठे हो जाएगा, और सिर्फ आपके शहर में ही नहीं, इनफैक्ट इंडिया के बहुत सारे शहरों में इनका क्लिनिक है, इसलिए आप यहाँ पर जाइए और अपना मुफ्त में चेकअप कराइए। तो हम आ गए हैं वही पॉइंट पे जहाँ पे आपको बताया था गैस्ट्रोलैक्स्टे, लेकिन ये नहीं पता कि ये गैस्ट्रोलैक्स्टे इधर से जाना है भाई या इधर से, पार्किंग में तो लगा दी है गाड़ी बट देखना होगा कि कहाँ से जाना है, क्या है गेम्स ऑफ थ्रोन्स मूवी में और क्या पॉइंट है, व्यू पॉइंट है एक तरीके से, जैसे थाईलैंड में आपने फुकेट देखा होगा तो फुकेट टाइप का ही व्यू पॉइंट समझ लीजिए कि गैस्ट्रोलैक्स्टे का है। चलिए देखिए दिख रहा है ये है, दिस इज़ द पॉइंट, ये पूरा बीच है, ये मैं हूँ मतलब हम लोग यहाँ खड़े हैं, और ये है गैस्ट्रोलैक्स्टे।
चलो भाई लोगों, गैस रिलैक्स पे थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ेगी। बट दिक्कत ये है कि पूरे यूरोप में ही आपको टिकट लेना पड़ता है हर चीज़ को देखने के लिए। यहाँ कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन यूरोप विच इज़ फ्री। सो दिस ऑल्सो हैज़ अ टिकट, बट प्रॉब्लम है कि हम तो डायरेक्ट आ गए ये गूगल पे सर्च करके, पर ये सर्च नहीं किया कि इसका टिकट लगता है। तो इसका टिकट लगता है, प्रॉपर टिकट होता है गैस रिलैक्स का। एक दिन में सिर्फ 400 लोग इस एरिया को पास कर सकते हैं, क्योंकि इनको ये नेचुरल हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टाइप का भी कंसिडर करते हैं। तो इसलिए इन्होंने फिक्स कर रखा है कि बस इतने ही लोग आए, एक दिन में से ज़्यादा नहीं। चलो भाई व्यू पॉइंट पे चलते हैं, व्यू पॉइंट दिखाते हैं। टिकट 13 का फुल, 14 का फुल, 28 का फुल, 29 का फुल। अब सीधे नवंबर का टिकट मिल रहा है, तब तक तो रुकना ही नहीं है। तो चलो चलते हैं। तो इस वेट का इंतज़ार हुआ ख़त्म और चलते हैं, क्या नाम था, गॉड से डॉ जो भी था भाई, बहुत बता दिया मैंने, मैं खुद भूल जाती हूँ, इतना टफ नाम है। बट लोकेशन देखते ही आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए लोकेशन, दिस इज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन। आप देख लीजिए, ये है शूटिंग लोकेशन गेम्स ऑफ थ्रोन्स का। और शूटिंग नहीं भी हुई होती भाई, तो तब भी ये इतनी सुंदर लोकेशन है, इतनी प्यारी लोकेशन है कि कोई इसको कैसे मिस कर सकता है। कोई स्पेन आया है और इन सब जगहों पे अगर नहीं घूमा, मैंने बताया ना बड़ी बड़ी सिटीज़ घूमना बहुत आसान है, मैड्रिड, बार्सिलोना, और यहाँ वो खुद में बहुत सुंदर है, नो डाउट। बट ये सब आप मिस करते हैं, छोटी छोटी जगह पे जाना। ये बेस्क्यू, BASQUE, बेस्क्यू सिटी या डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या जो भी इनको बोलते हैं, उस जगह पे ये बीच पड़ता है, ग्वाड्ज़ाक्ला जो भी। तो ये सब आप बिना गाड़ी के नहीं कर सकते, मतलब रोड ट्रिप के। मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ कि ये सब जगह आप तभी कवर कर सकते हैं जब आपके पास अपनी गाड़ी है, या फिर आप पूरी प्लानिंग से एकदम सॉलिड प्रूफ प्लानिंग से आए हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना ही है, तो आप बस करते हैं और किसी टूर कंपनी से बात करते हैं जो आपको यहाँ तक लेके आए, बिकॉज़ ये नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है यहाँ पे। तो ये सब आपके रोड ट्रिप के फ़ायदे हैं कि आप ऐसी लोकेशंस देख पाते हैं जीवन में जो नॉर्मली टूरिस्ट तो नहीं देखते हैं, सिर्फ वहाँ की कंट्रीज़ के लोग ही देख पाते हैं। तो इसे ग्वाड्ज़ाक्ला जो भी नाम था, अब आप अच्छे से देख लीजिए, इससे ज़्यादा सीनिक ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी। दिस इज़ दी लोकेशन एंड दिस इज़ मी इन फ्रंट ऑफ दैट लोकेशन। आप लोगों के लिए ही मैं लेके आई हूँ अपनी गाड़ी से, दिल्ली से लंदन के ट्रिप पे, फॉर्च्यूनर से हम यहाँ आए हैं। 8055 नंबर है, नोएडा की गाड़ी है और सीधे आई है बेस्क्यू सिटी, ग्वाड्ज़ाक्ला जो भी नाम है इसका, स्पेन में। तो मतलब दिस इज समथिंग वेरी सीनिक, वेरी प्राउड कि यहाँ पे भाई मुझे नहीं लगता यहाँ पे एक भी इंडियन होगा आसपास भी, क्योंकि ये तो इनकी एकदम कोर हेरिटेज टाइप की है। जहाँ ये टिकट लगा लगा के अपने लोगों को बुला रहे हैं और दिखा रहे हैं, वो भी 400 लोग इन्होंने लिमिट कर रखे हैं। अब खींचते हैं कुछ अच्छे फ़ोटोज़ यहाँ पे, और ये आपको जूम करके मैंने दिखा दी पूरी लोकेशन, ही देख लीजिए। ओ भाई साहब, दिस इज़ समथिंग टू बी वॉच्ड। ये देखिए एक वो बना हुआ है एकदम बीच में, वो जो आप देख रहे हैं ना ऑरेंज कलर का, यहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है। और ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये 241 स्टेप्स हैं जिनको चढ़ के आप एकदम जा सकते हैं सी के बीच में। दिस इज़ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, आई हैव नॉट सीन एनी प्लेस येट। तो अब चल लेते हैं फटाफट से वापस, क्योंकि 3 बज गया है। यहीं पे आप लोगों को व्यू पॉइंट दिखाया, और अब फ्रांस भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम को फॉलो नहीं करेंगे ना तो भी गड़बड़ है, क्योंकि फिर आप शेड्यूल नहीं बना के चलेंगे तो सेम ट्रिप आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो बेटर है कि अपना एक डेस्टिनेशन टारगेट बना के चलिए कि आज मुझे यहाँ पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये है आप लोगों के लिए स्पेन के बीचेस, एक और व्यू, एक और पॉइंट जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ सफाई, साफ समंदर, कम लोग दिखाई देते हैं। और ये देखिए स्पेन के बेहद ही खूबसूरत बीचेस। ये
लोग यहाँ पे कायाकिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बीच इतना सुंदर है, मन कर रहा है कि नीचे चली जाऊँ अभी, बट जा नहीं सकती, टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है, तो टाइम ज़बरदस्ती हम इधर उधर नहीं लगा सकते हैं। सुंदर तो स्पेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आपके पास एक महीना हो तो हो सकता है आप एक महीना स्पेन में ही रहें, बट यहाँ पे आने के बाद इट इज़ रियली नाइस कि हम लोग इधर उधर ना जाएं, और मन कर रहा है कि एक दो महीने यहीं रुक जाएं। सड़कों पे घूम रहे हैं और बारिश शुरू हो गई है। ये लॉन टेनिस का कोर्ट है और ये कोई छोटा सा शहर है, पता नहीं क्या शहर है, बड़ा मज़ा आ रहा है, पर क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, लोग इतने अच्छे हैं और बारिश हो रही है, तो आई जस्ट लव दिस मौसम, लोग, पीसफुल सा एनवायरनमेंट, और यहाँ पे ये सारे के सारे लोग चलते हैं कुछ खाने पीने, डीजल भराने उतर रहे हैं अभी। ये देखिए हमने डीज़ल भराया है 108 यूरो का, करीब करीब मुझे जहाँ तक उम्मीद है 14,000 रुपये के आसपास कटने का भी मैसेज आएगा। और क्या जीवन है इन लोगों का, देख रहे हैं डीजल वीजल खुद भर रहे हैं, सब काम खुद कर रहे हैं। ये देखिए एक बंदा नहीं है यहाँ पे, इवन बिल काटने वाले तक बंदा नहीं है। आप यहाँ से डीजल भरिए, मैंने अभी डीजल भरा, और वहाँ जाके अंदर आप बिल का पेमेंट करके आइए। अब आप ये बताइए कोई यहाँ से गाड़ी लेके अगर चला ही जाए क्या कर लेंगे लोग, मतलब ऑब्वियसली कुछ प्रोसीजर होगा इसलिए लोग नहीं करते ऐसा, बट यहाँ से जाना बहुत आसान है, आप यहाँ से भरा कर चले जाइए। बट ऐसा नहीं करना है, मैं मजाक कर रही हूँ, चलिए चलते हैं आगे। डीजल डीजल सब्डर, तो हमने एंटर कर लिया है फ्रांस स्पेन बॉर्डर से, और जस्ट हम अपने इस वाले मैप से दिखाती हूँ आपको कि हम जस्ट अभी फ्रांस एंटर किए हैं, दिस इज़ द बॉर्डर और ये हम हैं। जाना तो ऐसे पेरिस है, बट हम सोच रहे हैं कि एक दो जगह और घूमते हुए जाएंगे, पेरिस पहुंचने से पहले एक दो जगह रुकेंगे तब पेरिस जाएंगे, क्योंकि पेरिस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक दिन पेरिस इज सफिशिएंट। यहाँ पे जैसे हर कंट्री में आपको एक दो वर्ड्स मिल जाते हैं, ओला, ग्रेशियस, बोंदिया, ऐसे ही फ्रांस में थैंक यू को बोलते हैं मर्सी, तो मर्सी आपके लिए एक नया वर्ड है जो आपको मिलेगा, और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि दो तीन दिन मर्सी करें और भी कोई वर्ड आएगा जब याद तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो बहुत लंबी ड्राइव करने के बाद, करीब मुझे लगता है 400 किलोमीटर के बाद हम यहाँ रुके हैं फ्रांस में। फ्रांस हमने जब क्रॉस कर लिया उसके बाद ये मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, 8:30 बज रहा है रात का, और हम लोग फ्रांस के एक शहर में जाएंगे आज, दो दिन वहीं पे प्लानर रहेंगे, क्योंकि पेरिस में रहना मुझे उतना पसंद नहीं है, तो मैंने कहा पेरिस नहीं रहेंगे, रहेंगे तो थोड़ा दूर रहेंगे, एक बीच का एरिया है फ्रांस में, 170 किलोमीटर है पेरिस से, वहाँ पे रहेंगे दो दिन एयरबीएनबी में, और करते हैं चलिए बात आगे की। और ये हम आए हैं एक पेट्रोल पम्प में, हर कंट्री का पेट्रोल पम्प थोड़ा सा अलग होता है, तो यहाँ का भी पेट्रोल पम्प जो है वो अलग है, तो उसके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो सब अलग हैं। तो ये देखिए कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पम्प्स सब अलग है, यहाँ पे ब्रांडेड आपको मिलेगा, जैसे वहाँ पे क्या था अभी स्पेन में और पुर्तगाल में कि जो पेट्रोल पम्प था उसमें आपको खाने पीने का सामान और सब मिल रहा था, मतलब एक तरीके से रेस्टोरेंट उसके अंदर ही था। यहाँ रेस्टोरेंट ब्रांडेड रेस्टोरेंट होते हैं पेट्रोल पम्प पे, जैसे ये स्टीक एंड शेक, ये US की अच्छी ब्रांड है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी US में ही खा रखा है, तो इसको फिर बर्गर के लिए ट्राई करते हैं। आई थिंक फ्रांस इज़ मोर और लेस लाइक कि यहाँ पे हमें सब इंडियन खाना, US का खाना, बाहर का खाना सब मिल जाएगा, काफ़ी डेवलप्ड हैं ये लोग। लेट्स ईट, लेट्स आस्क, ये लगा हुआ है, काफ़ी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे चाहिए वेज बर्गर। इसने क्या बोला, बर्गर स्टीक बर्गर में आएगा शायद, बर्गर सोलो और यू वांट विद फ्राइज। दिस वन आई थिंक
सकते हैं वो फैड ओवर ज़्यादा ज़्यादा कर चुके भाई लोगों। बड़े तामझाम है फ्रांस में आके, स्टीक एंड शेक से एक बर्गर ऑर्डर किया है, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी एक्सपेंसिव है स्टीक एंड शेक। मैंने US में खाया था, मुझे पता है कि इनका नॉर्मल से कोई बर्गर भी 11-12 यूरो का आता है, वेजिटेरियन बर्गर तो वो। और साथ में मैंने यहीं के पास में मफ़िन था, मफ़िन के लिए एक अलग शॉप थी, वहाँ से मफ़िन ऑर्डर किया। जो ये लेडी थी ना मफ़िन जो दे रही थी, जैसे ही इसने बोला, पूछा वेयर आर यू फ्रॉम इंडिया, तो नमस्ते नमस्ते करने लगी। बड़ी अच्छी सी लेडी है और इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रेंच समझ रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं सारे लोग, मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग सा है कि खाना पीना आराम से खा सकते हैं। तो मैं खाती हूँ अपना मफ़िन और फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मुझे एयरबीएनबी बुक करना है, तो सबसे पहले एयरबीएनबी आपको दिखा देती हूँ। मैंने उससे पूछा है कि भाई एयरबीएनबी जो है वो मैं बुक कर सकती हूँ ना, उसने लिखा है कार पार्किंग भी है और पार्किंग फ्री है और इंडक्शन भी है। चलो करते हैं फिर एयरबीएनबी वाला बुक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, खाते हैं निकलते हैं फिर। तो हम आ गए हैं जस्ट रात के फिर 2 बजे पहुँचे हैं फ्रांस, फ्रांस की पहली सिटी क्या नाम है, द बोले पता नहीं क्या नाम है, उसमें हमने चेक इन किया है। आज हमने लिया है एक एयरबीएनबी और मैं अब जा रही हूँ एयरबीएनबी में एंटर करने। तो मैंने सोचा बता दूँ कि यहाँ पे कोई गेट पे गार्ड या रिसेप्शनिस्ट नहीं है, सीधे ये मुझे की मिली की बॉक्स से और की बॉक्स का कोड मुझे मैसेज कर दिया गया था और ये मैं अभी अंदर, एक भी बंदा नहीं दूर दूर तक, लेकिन सारे गेट लॉक्ड हैं। सीधे सेंसर वाली चाबी मिली हुई है, चाबी लगाइए अंदर जाइए और खुद से सेल्फ चेक इन कीजिए। मतलब यूरोप में आपको मैन पावर की शॉर्टेज रहेगी, इस वजह से आपको कोई भी बंदा नहीं मिलता है यहाँ पे काम करने के लिए। तो हम भी अभी आए हैं तो सोचा कि एक बार आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये सब चाबी है घर की, लेकिन ये जो है ये आपका सेंसर वाला है, तो इसको पूरा प्रॉपर लगा के आप अंदर आ जाइए बिना किसी की हेल्प के। बस आपको एयरबीएनबी पे इंस्ट्रक्शंस पहले आ जाते हैं कि क्या आपका कोड है, कहाँ पे आपको रहना है। और ये है अपार्टमेंट हमारा जिसकी मुझे चाबी मिली है, स्टूडियो अपार्टमेंट है। फ्रांस में इसी तरीके से स्टूडियो अपार्टमेंट मिलते हैं कि एकदम छोटा सा अपार्टमेंट है, ये बेड है छोटा सा और यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई हैं। ये एकदम किचन है, ये किचन मुझे चाहिए थी क्योंकि हमें खाना बनाने का बड़ा मन था। ये देखिए ये सब आपका वो है सेंसर वाला डस्टबिन वगैरह, तो ये बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। छोटा सा वॉशरूम है, बिल्कुल छोटा सा रूम है मतलब। और ये आपकी एक बालकनी होनी चाहिए जो मैं खोल नहीं रही थी क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। ये मैं सुबह में ही दिखाऊँगी क्योंकि अभी गलती से भी मच्छर घुस गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज का दिन करते हैं ख़त्म क्योंकि आज लंबी ड्राइव हो गई है अगेन और फिर थोड़ी थकान भी हो गई है। कल आपको फ्रांस घुमाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखें और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन गुड नाइट।